अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज का जो जॉब अपडेट करने वाला हूँ, ये सऊदी अरब का बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, इसी के जॉब के बारे में मैं अपडेट करूँगा। तो आप लोग से ध्यान है, ध्यान से सुन लेना है वीडियो, पहले अच्छे से ध्यान से सुनना है, फिर समझना है, फिर सैलरी वैली क्या होगा सारा वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और मेन है डॉक्यूमेंट में क्या क्या रेडी करना है, और डॉक्यूमेंट इस जॉब में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट भेजना कहाँ है, मेल करना है या व्हाट्सअप करना है, ठीक है, और मेल को कैसे करना है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में अंतर बताने वाला हूँ। और उससे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो देखो, सारा चीज़ समझो, फिर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सऊदी अरब के अंदर ये जो कंपनी है, इसको प्लम्बर चाहिए, ठीक है, प्लम्बर चाहिए जिसका प्लम्बर का सैलरी है 1800 रियाल। प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर का सैलरी है 1800 रियाल, ठीक है, सही सुन रहे हो आप, 1800 रियाल। 40 लड़के चाहिए। उसके बाद में इसी कंपनी को इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन जो हाउस इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन का सैलरी 2100 रियाल है, ठीक है ना। उसके बाद में इसी कंपनी को HVAC टेक्नीशियन चाहिए, इसका सैलरी 2500 रियाल है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो सैलरी है, इस सैलरी के अंदर आपको खाना अपना होगा, ठीक है, जैसा 1800 रियाल है, 2100 रियाल है, 2500 रियाल है, तो ये खाना आपको अपने पास से खाना है। बाकी आपको कंपनी रूम देगी, इकामा देगी, वहाँ का मेडिकल कार्ड देगी, जो भी फैसिलिटी होता है सब कंपनी प्रोवाइड करेगी। इस सैलरी के अंदर आपको यानी खाना आपको बना के खाना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ड्यूटी है 8 घंटे का, 8 घंटे के बाद 2 से 3 घंटा आराम से ओवर टाइम कर सकते हो, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छा खासा इसमें होता है, और हफ्ते के दिन आप छुट्टी मिलेगा, छुट्टी के दिन काम करते हो वो आपको अलग से सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो आप रिटर्न होना चाहिए कंपनी कोई भी कंट्री से, कतर, सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, और कहीं से भी आप रिटर्न होना चाहिए, यानी गल्फ रिटर्नर मांगा हुआ है, फ्रेश नहीं अप्लाई कर सकता है। आपका उम्र 21+ हो और लास्ट 40 के अंदर हो, अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो सैलरी ये है। वीजा सब कंपनी ने निकाल दिया है, और आपको मैन ये है कि मतलब वीडियो को देखो, डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और कैसे अप्लाई करना है। तो अगर इस जॉब में अप्लाई करते हो तो आप रिटर्न होना चाहिए, और आप जहाँ से भी रिटर्न हो और उस कंपनी में जो आप काम करे हो, उस कंपनी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर लिए हो, आप छुट्टी आ गए हो या फाइनल एग्जिट आए हुए हो, इंडिया के अंदर आप भी मौजूद हो, और आपके पास में जो कंपनी में काम करे हो उस कंपनी का आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर है अगर, तो ही जॉब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत से बंदे क्या करते हैं कि मतलब रिटर्न होते हैं लेकिन कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर उसके पास नहीं होता है। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर है जो भी कंट्री से रिटर्न हो आप, तो आप इस जॉब में डॉक्यूमेंट डालो, नहीं तो डॉक्यूमेंट भेज के कोई फायदा नहीं है। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, और पासपोर्ट पर जो वीजा लगा है, जो भी कंट्री से आप रिटर्न हो, वीजा कॉपी को स्कैन करना है, पासपोर्ट का 3 पेज, ठीक। उसके बाद में आपको एक CV बनवाना है, कोई कंप्यूटर के दुकान पर जाके बाई डाटा जिसको बोलते हैं रिज्यूम, वो बनवाना है। उसके अंदर आपका प्रोफेशन डालना है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, जो भी, वो डलवाना है, और कहाँ कहाँ काम करे हो, टोटल आपके पास कितना एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारे अंदर CV के अंदर अच्छे से लिखना है। उसके बाद में पासपोर्ट फर्स्ट लास्ट पेज, पासपोर्ट पर जो वीजा लगा है वीजा कॉपी, एक CV, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करवा लेना है कंप्यूटर के दुकान से, और उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट चाहे अपने फ़ोन के अंदर डाल लो, और चाहे उसी कंप्यूटर वाले से आपको मेल कराना है, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज, जो भी नंबर है इस चैनल पे, किसी को मैसेज नहीं करना है, डॉक्यूमेंट आपको मेल करना है, ठीक है। तो आप जब मेल करना है तो आप सब्जेक्ट में, मेल के अंदर डॉक्यूमेंट जब अटैच करो तो सब्जेक्ट में अपना नाम डालो और प्रोफेशन डालो, मैं ये हूँ और इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैसेज के अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दो, लिख दो, और आप मेल में अपना प्रोफेशन लिखना ना भूलें। दूसरी बात, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मेल में डालना है, चाहे डॉक्यूमेंट आप मेल करो मोबाइल से, और चाहे कंप्यूटर वाले से मेल करवाओ, आपका कॉन्टैक्ट नाम, प्रोफेशन और कॉन्टैक्ट नंबर, ये डालना जरूरी है। जब तक आप ये नहीं डालोगे तो मेल बहुत सारा आता है और पता नहीं चलेगा आपका डॉक्यूमेंट किस लिए जाना है, और नंबर नहीं रहेगा तो आपको कॉल बैक नहीं जा पाएगा। तो इसके वजह से आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज, मेल, अपना डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, आपको मेल करना है। मेल आएगा, आपका डॉक्यूमेंट ओके है, तो आपको खुद ही कॉन्टैक्ट किया जाएगा, कितना पैसे लगेगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा सबको बता दिया जाएगा। अगर आप एग्री हो गए तो कंपनी को जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद में आपका मेडिकल के लिए बताया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट जमा करोगे, फिर आगे का प्रोसेस फिर आगे बताया जाएगा, ठीक है। पेमेंट को एडवांस नहीं देना है, वीजा लगने के बाद ही कॉपी भेजा जाएगा, आप कॉपी चेक करो, उसके बाद पेमेंट करो, टिकट हो जाएगा। तो वीजा सारा रेडी है, जैसे सब बताए हो सकते, अगर जाना है तो जाके पहले
डॉक्यूमेंट एंटी करो और जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाला हो इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दो। और अगर मेल भूल गया होगा तो ये चैनल पे क्लिक करो और अबाउट वाले पेज में जाओ चैनल के, वहां पे आपको भी ईमेल आईडी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंट आपको मेल ही करना है और डॉक्यूमेंट को मोबाइल से फोटो नहीं खींच के भेजना है दादा, एक ही मेल के अंदर सारा साथ में अटैच करना है। बहुत से मेल करते हैं एक पेज अलग से मेल करेंगे फिर एक डॉक्यूमेंट मेल करेंगे, यानी उनका 10 कॉपी अगर भेजते तो 10 मेल करेंगे तो उनका मेल ही नहीं, उन्हीं को रिप्लाई नहीं आता है, उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता जो डॉक्यूमेंट ढंग से नहीं भेजते हैं। और बंदे लोग सब पूछते हैं कि भाई हर वीडियो में तुम डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हो, अरे भाई मैं तो डॉक्यूमेंट ही है ना, कंपनी में जो सिविल सिलेक्शन होता है अगर उसको 50 लड़की चाहिए तो 500 डॉक्यूमेंट उसके पास जाता है, तो जिसका प्रोफाइल अच्छा होता है उसी को सिलेक्ट करती है कंपनी। तो ये सारी चीज ध्यान रखना है, अगर आपको इसमें जाना है तो जाकर पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, उसके बाद में जो ईमेल आईडी इस पर आप भेजो, ठीक है। और अगर कोई दूसरा जॉब सर्च कर रहे हो तो पुराना वीडियो भी जाकर देख सकते हो चैनल पे क्लिक करके, अबाउट वाले पेज फिर अपना क्या नाम है जो चैनल का कम्युनिटी पेज है वो भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी एक सब वैकेंसी मैंने अपडेट किया हुआ हूँ। और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक करना। और अगर आप इंस्टाग्राम टिकटॉक फेसबुक ये सब यूज करते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अबाउट वाले पेज में दे दिया हूँ, वहाँ पे भी क्लिक करके फॉलो सब्सक्राइब कर लो, आपको वहाँ से भी जॉब के बारे में अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, बाकी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, बाकी अपने ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।